Hey, welcome back. I'm Vivek Bindra. I'm an international motivational speaker. आज मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ आपके लिए, how to handle sexual attachment and breakups in life. लगभग 200 से ज्यादा व्यूअर्स ने नीचे कमेंट किया है कि उनको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए था. मैं एक छोटा वीडियो लेके आया हूँ, डिटेल में बाद में बनाऊंगा. आधा करियर बेचारी स्टूडेंट की लाइफ का ब्रेकअप और पैचअप और ब्रेकअप और पैचअप और ब्रेकअप और पैचअप इसी में फंस जाते हैं. कितने स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूँ ब्रेकअप और पैचअप में ही बहुत समय अपना बर्बाद कर देते हैं. टेम्पररी स्टेल इंजॉयमेंट के लिए लॉन्गर लाइफ को खत्म कर देते हैं. एक हाथी को भी महावत ऐसे ही कंट्रोल करता है, उसको फीमेल हाथी की साउंड सुनाता है महावत और वो सेक्सुअली इतना अट्रैक्टेड हो जाता है अपने जेनिटल्स की सेटिस्फैक्शन के लिए, बेचारा गड्ढे में फंस के लाइफ खत्म कर देता है. कहीं आप तो ऐसा नहीं कर रहे हैं? उस जेनिटल की सेटिस्फैक्शन के लिए कृष्ण ने गीता में एक श्लोक बोला है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्टा निवर्तते. राइट, कृष्ण क्या कह रहे हैं? डेवलप अ हायर टेस्ट टू डिस्कार्ड द लोअर वन. कम ऑन, डेवलप अ हायर टेस्ट टू डिस्कार्ड द लोअर वन. शारीरिक लेवल पे भी आनंद मिलता है आपको, मानसिक लेवल पे भी आनंद मिलता है, उसके ऊपर बुद्धि के लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी आनंद मिलता है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लेवल पे भी, बॉडीली मेंटल इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल हर लेवल पे आनंद मिलता है. पर जो ये बॉडी के लेवल का आनंद है ना, शराब का, सेक्स का, ये आपको बहुत आनंद आएगा. एक रात के लिए आएगा, अगले दिन खत्म हो जाएगा, फिर जरूरत पड़ेगी. दूसरी रात को फिर खत्म हो जाएगा, तीसरे दिन, अगले दिन फिर जरूरत पड़ेगी. आनंद अगर आपको मिल गया तो दोबारा तलाश क्यों कर रहे हो? देखिए उदाहरण देता हूं, अगर आपका मोबाइल आज खो जाए बाजार के अंदर, आप कहीं बाजार में घूम रहे हैं, मोबाइल खो जाए आपका, तो जब मोबाइल आपको मिल जाएगा तो आप उस मोबाइल को दोबारा नहीं ढूंढेंगे. ठीक उसी प्रकार अगर आपको सेक्स करने में या शराब पीने में आनंद आ गया और मिल गया तो फिर अगले दिन दोबारा क्यों ढूंढ रहे हैं? एक्चुअली शरीर के स्तर का जो आनंद होता है, चाहे वो सेक्स से हो या वाइन से हो, वो टेम्पररी है, थोड़ी देर के लिए रहेगा, आपको मिलेगा नहीं. वो लगता है मिला, वो मिला नहीं है. करना क्या है? डेवलप अ हायर टेस्ट टू डिस्कार्ड द लोअर वन. ऊपर जाना है, ऊपर के स्टेप पे जाना है. ये जितनी लड़कियों के पीछे आप भाग रहे हो ना, जितनी लड़कियों के पीछे समय बर्बाद कर रहे हो, बहुत चांसेस है आप उनके लिए एक इमोशनल डंपिंग ग्राउंड हो. वो जब अपने बॉयफ्रेंड से तंग हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो इमोशनल सपोर्ट के लिए आपको फोन करती है. आप अपने सारे काम धंधे को छोड़ के उसके साथ फोन पे घंटों बात करते हो, आप सब कुछ छोड़ के काफी देर उससे बात करते हो, आपको लगता है कि शायद वो आपके पास आ जाएगी. लेकिन आप तो उसके लिए टेंपरेरी चॉइस हो, आप उसके लिए परमानेंट नहीं, एक टेंपरेरी चॉइस हो. बहुत बार हमने देखा है बेचारे, कई बार लड़के फेसबुक पे घंटों बैठ के देखते हैं ये नया प्रोफाइल मेरा लड़की का जवाब दे रही है, आपको पता भी नहीं वो लड़की है भी कि नहीं है, समय बर्बाद कर देते हैं. कितना टाइम एनर्जी मनी जो आपने लड़कियों के लिए बर्बाद कर दिया ना, इतना टाइम एनर्जी मनी आपने सेक्स की डिजायर के लिए बर्बाद कर दिया ना, ये अगर आपने करियर में अपने गोल स्टेटमेंट लगाया होता. गर्ल स्टेटमेंट नहीं चाहिए, गोल स्टेटमेंट चाहिए लाइफ में. ये तो गर्ल स्टेटमेंट है, ये आपको सफलता नहीं देगी, आपका गोल स्टेटमेंट आपको सफलता देगा. डेवलप अ हायर टेस्ट टू डिस्कार्ड द लोअर वन. कम ऑन, इंटेलेक्चुअल लेवल पे आने के बाद बुद्धि के स्तर पे आप अपनी डिजायर्स को कंट्रोल कर पाते हैं, फोकस कर पाते हैं गोल स्टेटमेंट पे. एक बार गोल स्टेटमेंट अचीव हुआ ना, मैरिज पोर्टल पे जाके देखना, दुनिया के मैरिज पोर्टल्स पे जाके देख लेना, वहां लड़कियां सुंदर खूबसूरत ढूंढ रही हैं, सबसे ज्यादा तनख्वाह प्राप्त करने वाला कौन सा प्रोफाइल है. एक बार गोल स्टेटमेंट अचीव होगा, गर्ल स्टेटमेंट अपने आप पीछे पीछे आएंगे. पर चक्कर क्या है, गर्ल स्टेटमेंट के चक्कर में ना गर्ल अचीव होती है ना गोल अचीव होता है, फंस जाता है व्यक्ति. ब्रेकअप पैचअप मैं आपसे बता रहा हूं, सावधान हो जाओ. आज मैं यूथ्स को चाहता हूं कि वो आज अपना समय फ्यूचर को डेवलप करने के लिए लगाएं. इन्वेस्ट करें समय को, स्पेंड ना करें, निवेश करें समय को, खर्च ना करें. इसमें ना कोई आरओआई है नहीं, इसमें कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है नहीं. आयुर्वेद बता रहा है, सीमन इज सो पावरफुल, इफ यू कैन रिटेन एंड कंट्रोल योर सीमन इट गोज ऊर्ध्वरेति, एंड इफ यू स्पिल आउट योर सीमन इट बिकम्स अधोगति, एंड ऊर्ध्वरेति व्हेन सीमन इट इज स्टोर्ड इनसाइड द मेल्स बॉडी इट स्टार्ट्स फ्लोइंग अपवर्ड एंड इट नरिशेस द ब्रेन सेल्स इन सच अ वे व्हिच इज इम्पॉसिबल फॉर एनी डाइटरी एम्युलेट टू एवर डू इट. क्योंकि सीमन इतना पावरफुल है, इट कैन प्रोक्रिएट अ न्यू लाइफ, इट कैन गिव बर्थ टू अ न्यू लाइफ. इस सीमन को बचा के इसको अपने दिमाग के ब्रेन सेल्स को इंप्रूव करने के लिए लगाइए. फोकस ऑन द गोल स्टेटमेंट. चक्कर क्या है, गर्ल स्टेटमेंट लाइफ में आ गई है ना, गोल स्टेटमेंट निकल गया है. यू आर लिविंग योर लाइफ बिल्ड ऑन समबडी एल्सेस कंडीशंस. आप क्यों खराब कर रहे हैं? कितना पैसा, टाइम, एनर्जी, मनी, ये बचा लो, इसको लगाओ गोल स्टेटमेंट के ऊपर. गोल स्टेटमेंट अचीव हुआ ना, जिंदगी भर सफल रहोगे. अगर महिला इस वीडियो को देखे तो वो गर्ल स्टेटमेंट की जगह बॉय स्टेटमेंट पढ़ ले, अगर पुरुष इस वीडियो को देखे तो बॉय स्टेटमेंट की जगह गर्ल स्टेटमेंट पढ़ ले. एक्चुअली ये वीडियो दोनों के लिए, समझने की बात है. शारीरिक स्तर से ऊपर आना पड़ेगा आध्यात्मिक स्तर पर आने के लिए. शारीरिक स्तर पर अगर आप पुरुष हैं तो आपको स्त्री की जरूरत पड़ेगी, आप स्त्री हैं तो आपको पुरुष की जरूरत पड़ेगी. और आध्यात्मिक स्तर पर शरीर की जरूरतें कम होती हैं और आध्यात्मिक जरूरतें बहुत बढ़ जाती हैं.
एक्चुअली इस वीडियो के माध्यम से हम महिला के सम्मान को और बढ़ाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि व्यक्ति फीमेल्स को बॉडीली लेवल पर नहीं देखना चाहिए, फीमेल को हम स्पिरिचुअल लेवल पर लाना चाहते हैं। एक्चुअली इस वीडियो में मैं बार बार याद दिलाना चाहता हूं, ये वीडियो ना पुरुष के लिए ना स्त्री के लिए, ये वीडियो सिद्धांत पे बेल्ट है, प्रिंसिपल पे बेल्ट है। अगर आप पुरुष हैं तो आपको आपके हिसाब से समझ में आ जाएगा, अगर आप स्त्री हैं तो आपको आपके हिसाब से समझ में आ जाएगा। समझना दोनों को पड़ेगा, पुरुष है या स्त्री है, सिद्धांत तो दोनों के लिए बराबर है ना। एक बहुत ही हाई क्लास स्कूल ने मुझे भी इन्वाइट किया अपने स्टूडेंट्स को, जो बेचारे कई बिलियनियर्स के बच्चे थे लेकिन उनकी लाइफ खराब हो गई। मुझे स्कूल का प्रिंसिपल बोला, मिस्टर बिंद्रा इनको बचा लो, कितना भी खर्चा लग जाए इन बच्चों को बचा लो। मैं उससे मिलने गया, वो लड़का कहता है मैं लड़की के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं उस लड़की के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं उस लड़की के बारे में नहीं सोचूंगा। वो क्या कर रहा है? वो उसी लड़की के बारे में सोच रहा है। वो लड़की कहती है मैं उस लड़के के बारे में नहीं सोचूंगी, मैं उस लड़के के बारे में नहीं सोचूंगी। वो क्या कर रही है? वो एक्चुअली उसी लड़के के बारे में सोच रही है। ये नाना 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 करके बात नहीं बनेगी, बात इससे नहीं बनेगी कि गर्ल स्टेटमेंट हटा दूं, बात इससे बनेगी कि गोल स्टेटमेंट को ले आऊं। जो माइंड है ना वो रिप्लेसमेंट पे काम करेगा, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। गोल स्टेटमेंट यानी बॉडीली लेवल से इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल लेवल पे ले आओ, गोल स्टेटमेंट पे। जब माइंड को रिप्लेस कर देंगे ना नए थॉट्स के साथ में, माइंड अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर माइंड को आप बोलोगे नहीं मैं ये नहीं करूंगा तो बार बार वही याद आ रहा है, बार बार वही याद आ रहा है, रिप्लेस इट विद अ गोल स्टेटमेंट। इसीलिए कृष्ण जो दे रहे हैं ना भगवदगीता में सबसे अच्छा है। मैं तो उससे बाहर कभी जाना पसंद ही नहीं करता, आपसे भी कहूंगा भगवदगीता पढ़ो। कृष्ण क्या कहते हैं? डेवलप अ हायर टेस्ट टू डिस्कार्ड द लोअर वन, डेवलप अ हायर टेस्ट। इस लेवल पे जब आ जाते हो ना, इंटेलेक्चुअल लेवल पे। अब्दुल कलाम से किसी ने पूछा आपने शादी करी क्यों नहीं, बोले मुझे याद ही नहीं रहा, मुझे याद ही नहीं रहा। जो व्यक्ति इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल लेवल पे आ जाता है उसके शरीर की जरूरतें इतनी मिनिमाइज हो जाती हैं, वो विजय प्राप्त कर लेता है अपनी इंद्रियों के ऊपर। ऐसे व्यक्ति की सफलता निर्धारित निश्चित ध्रुव एकदम कॉन्फिडेंटली उसको मिलेगी। पर चक्कर क्या है? समस्या यह है, ये शरीर के स्तर पर आकर के पशु भी शरीर के स्तर पर जीता है। कुत्ते को कुत्ती चाहिए, बुरा मत मानना, मुझे पता है आज बड़ी कड़वी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं। एक सुअर को भी शी सुअर ही चाहिए, एक हाथी को भी शी हाथी चाहिए। और अगर आपको भी यही चाहिए जीवन, यही जीवन का आपका लक्ष्य रह गया तो आप में और पशु में अंतर क्या रह गया? महाभारत का यही श्लोक है, सामान्यम एतत् पशु भी नराना धर्मो हितेशम अधिको विशेषो धर्मेना हीना पशु भी समाना। अगर व्यक्ति यही स्लीपिंग और मेटिंग की बात ही करता रह गया तो वो भी पशु के समान है, ऊपर उठना पड़ेगा। चाणक्य पंडित से एक बार चंद्रगुप्त ने पूछा कि मेरा मन भटक रहा है गुरुदेव, मेरा मन भटक रहा है, मुझे धनानंद की पुत्री से प्रेम हो रहा है। चाणक्य पंडित से उन्होंने पूछा क्या किसी स्त्री के साथ प्रेम करना गलत है, क्या किसी स्त्री के साथ प्रेम करना गलत है? चाणक्य ने उनको जवाब दिया बिल्कुल अपराध नहीं है वत्स, किसी को भी किसी स्त्री से प्रेम हो सकता है। हाँ लेकिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अपराध है क्योंकि तुम्हें बहुत बड़े महान लक्ष्य को लेकर चल रहे हो और तुम्हारा महान लक्ष्य अखंड भारत का एक सम्राट बनना। चाणक्य पंडित ने उस छोटे बच्चे को कल्टीवेट करके अखंड भारत का सम्राट बनाया, चंदू नाम के लड़के को मूरा नाम की माँ मौर्य डायनेस्टी दे दिया, उनको नाम दिया चंद्रगुप्त मौर्य। कैसे दिया? इंद्रियों पर कंट्रोल करके, डेवलप अ हायर टेस्ट। आज चंद्रगुप्त मौर्य को सैकड़ों हजारों साल के बाद भी याद किया जा रहा है, लेकिन अगर चंद्रगुप्त मौर्य भी उसी सुअर की तरह किसी एक शी सुअर के पीछे भागने लग जाता अपनी जननेन्द्रियों के सेटिस्फैक्शन के लिए तो आज उनको कौन याद करता? एक महान लक्ष्य सामने रखना पड़ेगा, जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ट्रेन किया एक महान लक्ष्य के साथ में। कि आपके पास महान लक्ष्य है, यही मेरा आज का टॉपिक है, गोल स्टेटमेंट, गर्ल स्टेटमेंट नहीं गोल स्टेटमेंट। जिस लड़की ने आपको धोखा दिया है ना, कम ऑन प्रूव देम रॉन्ग, कम ऑन प्रूव देम रॉन्ग। यू कांट लिव योर लाइफ बेस्ड ऑन देयर टर्म्स एंड कंडीशंस, कम ऑन डोंट बिहेव लाइक अ डिप्रेस्ड एस्केपिस्ट फेलियर देवदास, डोंट बिहेव लाइक अ डिप्रेस्ड एस्केपिस्ट फेलियर देवदास, कम ऑन मूव ऑन, कम ऑन मूव ऑन। ये चीज याद रखिए, कम ऑन एंड मूव ऑन, यू गॉट टू मूव ऑन। आप बहुत बारी फंस जाएंगे, बहुत लंबी लाइफ है साहब, बहुत लंबी लाइफ है। कम ऑन मूव ऑन, कम ऑन मूव ऑन, बाउंस बैक। मैं चाहता हूं ऐसे कई वीडियोस बनाऊं, हिंदुस्तान के यूथ को एम्पावर करूं, गर्ल स्टेटमेंट से उठा के उनको गोल स्टेटमेंट पे ले आऊं। और मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को फैलाओ, दूर दूर तक फैलाओ, हर उस यूथ तक लेके जाओ जिसकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आ गया है। एडिक्शन टू डिस्ट्रैक्शन क्रिएट्स नॉन क्रिएटिव प्रोडक्शन। बाहर निकालना है, कम ऑन डेवलप अ हायर टेस्ट, कम ऑन मूव ऑन। हर उस यंग लड़के तक पहुंचा दो जिसकी जिंदगी खराब होने से हम बचा सके, मिल करके सपोर्ट क्रिएट कर सके। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया अब तो कर लो, लगातार ऐसे पावरफुल वीडियोस आपको मिलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।